गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी विद द यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर क्या कर लिया था, अपने कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे क्या? आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी तंत्र के नियमन एंड समन्वय। तंत्र के नियमन एंड समन्वय वाले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना लास्ट चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना क्या है, लास्ट चैप्टर है दोस्तों। उसके बाद में अपन बॉटनी वाले सेक्शन में चलने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर क्लास अच्छी लगती हो आपको तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर जाएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके और सभी को क्लास प्रोवाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन किस पे चलते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका उत्तक का निर्माण कहाँ से होता है? एक्टोडर्म से होता है। तंत्रिका उत्तक में दो गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? दो। एक तो होता है एक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, एक संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। इसमें दो गुण पाए जाते हैं, एक तो उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है और एक संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। किसमें? तंत्रिका के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। अब आते हैं इसके दो घटक होते हैं कौन कौन से। तंत्रिका उत्तक के दो घटक कौन कौन से हैं? एक तो होता है नर्व सेल्स, एक आता है सपोर्टिंग सेल्स। कौन सा? नर्व सेल एंड सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, न्यूरोन या नर्व सेल्स और एक सपोर्टिंग सेल्स, ये अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये दो गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं अपन क्या, न्यूरोन या नर्व सेल। क्या देखते हैं? न्यूरोन एंड नर्व सेल्स। इस चैप्टर की अगर आपको क्वालिटी मतलब दिखाई कम दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके नोट्स थोड़े डार्कनेस कम है, इसमें थोड़ी ब्राइटनेस कम आई है वीडियो में, तो वीडियो की आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा एक बार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो आप लाइन के साथ साथ लिखते चलना नोट्स। न्यूरोन एंड नर्व सेल। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरोन होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरोन या नर्व सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूरोन एंड नर्व सेल्स क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एक तंत्रिका कोशिका तीन भागों में विभक्त होती है। एक तंत्रिका कोशिका कितने भागों में विभक्त होती है? तीन भागों में विभक्त होती है। तीन कौन कौन से भाग? साइटोन, बॉडी या सोमा, या इसका दूसरा भाग होता है डेंड्रोइड्स, और तीसरा भाग होता है एक्सोन। तीन भागों से में विभक्त होती है कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तीन भागों में विभक्त होती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? साइटोन, डेंड्राइड्स और एक्सोन। तीन भागों में विभक्त होती है कौन सी? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जो कि क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है दोस्तों, अब इसमें तीनों भागों को अपन एक एक करके फिरने वाले हैं दोस्तों। तो पहला भाग देख ले। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है, और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेते हैं साइटोन, जिसे बॉडी भी कहते हैं या सोमा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इसके दो नाम हो रहे हैं, बॉडी और सोमा। साइटोन, बॉडी और सोमा, ये देख लेते हैं। पहला भाग है साइटोन, बॉडी और सोमा। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका इसके अंतर्गत लिखो, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग जिसके मध्य में एकल केंद्र को उपस्थित होता है। केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य की पतली परत पेरिकेरियोन उपस्थित होती है।
ठीक है दोस्तों, साइटोन बॉडी और सोमा जो होता है वो क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। क्या होता है, तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है जिसके मध्य में एकल केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है, एकल केंद्रक उपस्थित होता है तथा इस केंद्र के चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत उपस्थित होती है जिसे क्या कहते हैं, प्रीकेरियोन कहते हैं। प्रीकेरियोन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीकेरियोन कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में दो संरचनाएं उपस्थित होती है। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें दो संरचनाएं उपस्थित होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है न्यूरोफाइब्रिल्स, क्या होती है, न्यूरोफाइब्रिल्स उपस्थित होती है, और दूसरी कौन सी होती है, निसल्स ग्रेनुलस। क्या होती है, दो चीज इसमें न्यूरोफाइब्रिल्स और निसल्स ग्रेनुलस उपस्थित होती है। एक तो न्यूरोफाइब्रिल्स उपस्थित होती है उस कोशिका द्रव्य में और एक निसल्स ग्रेनुलस उपस्थित होती है। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या करती है, प्रोटीन से निर्मित तंतु रूपी संरचना जो संपूर्ण न्यूरॉन में उपस्थित होती है। क्या होती है, न्यूरोफाइब्रिल्स प्रोटीन से निर्मित संरचना होती है जो कि संरचना होती है जो संपूर्ण न्यूरॉन में उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें क्या घटक पाया जाता है, दूसरा इसका घटक पाया जाता है क्या, निसल्स ग्रेनुल्स। निसल्स ग्रेनुल्स जो कि आर ई आर राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, निसल्स ग्रेनुल्स आर ई आर राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए। ठीक है दोस्तों, किससे, मैसेंजर आरएनए से निर्मित होता है जो कि साइटोन भाग में उपस्थित होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या काम करता है, निसल्स ग्रेनुल्स प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। किसका, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, कौन, निसल्स ग्रेनुल्स। किससे निर्मित होता है, आरआर राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए से निर्मित होता है और साइटोन भाग में उपस्थित होता है। कहां पर, साइटोन भाग में उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, निसल्स ग्रेनुल्स। इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लो दोस्तों ये कि निसल्स ग्रेनुल्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा भाग अपने देखेगा, वो पहला भाग देख लिया अपने साइटोन बॉडी और सोमा देख लिया, दूसरा भाग देखते हैं अपन क्या, डेंड्राइट्स। ठीक है दोस्तों, डेंड्राइट्स क्या होता है, साइटोन से निकलने वाले पतले साकित पर्वत जिनमें निसल्स ग्रेनुल्स पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स कहलाते हैं। क्या होते हैं डेंड्राइट्स, साइटोन से निकलने वाले पतले साकित पर्वत जिनमें निसल्स ग्रेनुल्स पाई जाती है। ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या है, डेंड्राइट्स का ये कार्य है आवेगों को ग्रहण कर साइटोन की ओर स्थानांतरित करते हैं। क्या कार्य है, साइटोन से ये आवेगों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और साइटोन की ओर स्थानांतरित करते हैं। किसकी ओर साइटोन की ओर स्थानांतरित करते हैं कौन, डेंड्राइट। तीसरा भाग बचा कौन सा, एक्सोन। कौन सा भाग आएगा अपना, तीसरा आएगा एक्सोन। एक्सोन क्या है, एक्सोन साइटोन से निकलने वाला लंबा पर्वत जिसकी एक्सोन हेलिकोन से होती है, जिसकी उत्पत्ति एक्सोन हेलिकोक से होती है, एक्सोन हेलिकोक। ठीक है दोस्तों, किससे होती है, एक्सोन हेलिकोक से होती है। एक्सोन का दूरस्थ सिरा, ध्यान रखना दोस्तों, एक्सोन का दूरस्थ सिरा विभाजित होकर शाखाएं बनाता है जिन्हें क्या कहते हैं, टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाग एक्सोन है, कौन सा भाग डेंड्राइट्स है और कौन सा टीलोडेंड्राइट्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना किसका,
ये क्या है अपना दोस्तों, ये क्या है अपनी न्यूरॉन्स की संरचना है, क्या है न्यूरॉन्स की संरचना है, क्या है ये न्यूरॉन्स की संरचना है, किसकी संरचना है, न्यूरॉन्स की संरचना है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या पाया जाता है, साइटोन बॉडी और सोमा, पहला तीन भाग होते हैं एक्सोन, साइटोन बॉडी, सोमा, डेंड्रोइड्स और एक्सोन, ठीक है तीन भाग होते हैं। तो ये जो अंदर की ओर केंद्रक पाया जाता है उसके चारों ओर ये पेरिकेरियोन की परत पाई जाती है, ये डॉट डॉट कर रखा है, ये क्या है पेरिकेरियोन की परत है, जो अभी अपन ने पढ़ाया क्या है पेरिकेरियोन की परत है, ठीक है। और ये बीच में क्या है, इसमें केंद्रक, ठीक है दोस्तों, ये बीच वाला क्या है, इसमें केंद्रक है, उसके चारों तरफ पेरिकेरियोन की परत पाई जाती है। और इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को साइटोन बॉडी और सोमा कहते हैं, अंदर वाले भाग को, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में डेंड्राइट्स, दूसरा पार्ट आता है डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या है, ये जो लंबे पर्वत है, ये वाले लंबे पर्वत है, ये क्या है डेंड्राइट्स, ठीक है। ये वाला कौन सा भाग आ गया, दूसरा भाग हो गया। अब होता है एक्सोन, एक्सोन कहां से निकलता है, ये एक्सोन हेलिकोक, ठीक है एक्सोन हेलिकोक। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसका एक्सोन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, एक्सोन पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये एक्सोन पार्ट है। और एक्सोन से क्या निकलते हैं, अंतिम से राय साकित होकर क्या निकलती है, टीलोडेंड्रोइड्स। तो टीलोडेंड्रोइड्स कौन से हो गए, ये टीलोडेंड्रोइड्स हो गए, ठीक है दोस्तों। कौन सा, ये वाला टीलोडेंड्रोइड्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूरॉन्स की बेसिक संरचना है, मैं आगे पूरी आएगी डिटेल से तो वहां देखेंगे क्या है। एक्सोन का जो दूरस्थ सिरा है विभाजित होकर क्या बनाता है, साकाइत बनाता है, जो कि टीलोडेंड्रोइड्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो लास्ट में विभाजित हो रही थी ये टीलोडेंड्रोइड्स कहला रही थी, ठीक है। तो सम्मान जो टीलोडेंड्स बल्ब बल्ब सम्मान जो संरचनाएं होती है उनमें सिनेप्टिक वेसल्स उपस्थित होती है, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं दोस्तों, इनमें इन सिनेप्टिक लोबल्स में क्या भरे होते हैं, इन सिनेप्टिक लोबल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं। आगे देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, केमिकल और कौन से, केमिकल, दो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं उत्तेजनशील, एक होते हैं संदमकनकारी, दो प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो उत्तेजनशील और एक संदमनकारी इनहिबिटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं, मेनली एसिटाइकोलीन, एसिटाइकोलीन होता है। अब आते हैं नोट लिखो, एक एक नोट लिखो दोस्तों, नोट लिखो दोस्तों, एक नोट इम्पोर्टेंट है। दो न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। एक स्नैप्स पर आवेग का संचरण सदैव, ध्यान रखना दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट नोट है, एक स्नैप्स पर आवेग का संचरण, ध्यान रखना दोस्तों, एक्सोन से कहां की ओर होता है, एक्सोन से कहां की ओर होता है, डेंड्रोइड्स की तरफ होता है। एक स्नैप्स पर, ध्यान रखना स्नैप्स पर क्या होता है, आवेग का संचरण किस ओर होता है, एक्सोन से किस ओर होता है, डेंड्रोइड्स की ओर होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। और एक स्नैप्स पर आवेग का संचरण एक्सोन से डेंड्रोइड्स की ओर होता है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट है, जबकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जबकि जबकि एक न्यूरॉन पर आवेग का संचरण, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, नोट है, जबकि एक न्यूरॉन पर आवेग का संचरण इसके विपरीत होता है, वहां क्या होता है, एक्सोन से कहां की ओर होता है, एक जोन से कहां की ओर होता है, डेंड्रोइड्स की ओर होता है, कहां पर, स्नैप्स पर। जबकि न्यूरॉन में क्या होता है, उल्टा विपरीत, यानी डेंड्रोइड्स से किसकी ओर होता है, एक जोन की ओर होता है, डेंड्रोइड्स से किसकी ओर होगा, एक जोन की ओर होगा, कहां पे, न्यूरॉन में, न्यूरॉन में उल्टा होता है, स्नैप्स पे उल्टा होता है। स्नैप्स पे तो कहां होता है, आवेग का संचरण एक जोन से डेंड्रोइड्स की ओर, जबकि न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन में क्या होगा, डेंड्रोइड से एक जोन की ओर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, एक्सोन भाग में निसल्स ग्रैनुलस अनुपस्थित होती है, ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट लिखो ये भी, एक्सोन भाग में
निसल्स ग्रेनुलुल्स अनुपस्थित होती है। क्या होती है? निसल्स ग्रेनुलुल्स अनुपस्थित होती है। कहां पर अनुपस्थित होती है? एक्सोन भाग में। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है, न्यूरॉन्स का डायग्राम है जो अपन ने अभी देखा था। न्यूरॉन्स का डायग्राम है, देख लो दोस्तों, ये अपना क्या है, न्यूरॉन्स का डायग्राम है। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। इसके चारों ओर क्या होगी, पेरिकेरियन की ये परत हो गई। ये एक्सोन हेलिकल भाग हो गया, इसे क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ये एक्सोन भाग से निकलने वाले जो वो होते हैं टीलोडेंड्रोइड्स हो गए। ये सिनेप्टिक वेसल्स हो गई, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ भरे होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर भाग हो गया। यहाँ जो संधि बन रही थी दो न्यूरॉन्स के बीच, कौन सी, स्नैप्स हो गया। क्या हो गया, ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच क्या हो गया, स्नैप्स हो गया। ठीक है दोस्तों, ये डेंड्रोइड्स हो गए। ये क्या अपना न्यूरॉन का बेसिक संरचना है। क्या है, न्यूरॉन्स की संरचना है, अच्छे से देख लेना दोस्तों। न्यूरॉन्स की संरचना में क्या है, न्यूक्लियस हो गया, आपने तीन भाग देख लिए इसके, साइटोन, बॉडी और सोमा, फिर डेंड्रोइड्स और फिर एक्सोन, तीन भाग हो गए। ठीक है दोस्तों, तो डेंड्रोइड्स कौन से हो गए, ये कौन सा हो गया, इसका साइटोन, बॉडी और सोमा वाला भाग हो गया, और ये एक्सोन भाग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये स्नैप्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं न्यूरॉन्स के टाइप्स। न्यूरॉन्स दो प्रकार के होते हैं, न्यूरॉन्स चार प्रकार के होते हैं, सॉरी दोस्तों, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं न्यूरॉन्स, वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला न्यूरॉन्स लिखो, न्यूरॉन्स चार प्रकार के होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स चार प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार। पहला देखते हैं नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन्स, इसमें एक्सोन क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नो एक्सोन, नो डेंड्रोइड्स, ओनली ओनली इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ओनली ओनली क्या होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्या होता है, ना तो इसमें एक्सोन होती है, ना इसमें डेंड्रोइड्स होती है, ओनली क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ऐसा न्यूरॉन क्या कहलाता है, नॉन पोलर न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन पोलर न्यूरॉन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, किसमें पाया जाता है नॉन पोलर न्यूरॉन, हाइड्रा में पाया जाता है दोस्तों। एग्जाम्पल ध्यान रखना दोस्तों, किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है, कौन सा, नॉन पोलर न्यूरॉन। नेक्स्ट लिखो यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन जिसमें क्या होता है, साइटोन प्रेजेंट होता है, ओनली साइटोन प्रेजेंट होता है, ओनली एक्सोन होता है, ओनली एक्सोन होता है, इसमें टीलोडेंड्रोइड्स नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ना इसमें डेंड्राइड्स उपस्थित होती है, ना इसमें डेंड्राइड्स उपस्थित होती है। यूनिपोलर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यूनिपोलर। एग्जाम्पल देखो दोस्तों, यूनिपोलर का कशेरुकियों के भ्रूण में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कशेरुकियों के भ्रूण में पाया जाता है, कौन सा, यूनिपोलर। एग्जाम्पल ध्यान रखना दोस्तों, कशेरुकियों के भ्रूण में कौन सा पाया जाता है, यूनिपोलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्या, बाइपोलर। बाइपोलर और मल्टीपोलर दो बचते हैं हमें, तो बाइपोलर, बाइपोलर कहाँ पाया जाता है, बाइपोलर कैसा होता है, बाइपोलर के अंदर एक एक्सोन उपस्थित होता है, एक डेंड्रोइड उपस्थित होता है और एक साइटोन उपस्थित होता है, किसमें, बाइपोलर में। तीसरे नंबर का आता है, एक एक्सोन, एक डेंड्रोइड, एक साइटोन उपस्थित होता है, किसमें, बाइपोलर में। एग्जाम्पल क्या है बाइपोलर के, एग्जाम्पल लिखो दोस्तों बाइपोलर के, नेत्र का रेटिना अंतःकरण उद्धारण उपकला। नेत्र का रेटिना अंतःकरण उद्धारण उपकला। ठीक है दोस्तों, तीन एग्जाम्पल हो गए इसके, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं मल्टीपोलर, किस पे चलते हैं, मल्टीपोलर पे चलते हैं दोस्तों, मल्टीपोलर न्यूरॉन जिसमें एक साइटोन, एक एक्सोन और मैनी डेंड्रोइड्स होते हैं। एक साइटोन, एक एक्सोन और मैनी डेंड्रोइड्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। इस प्रकार का न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपने क्या हो गए, चार हो गए। चार न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना दोस्तों, इनके
नॉन पोलर किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नॉन पोलर हाइड्रा में पाया जाता है। यूनिपोलर कशेरुकी के भ्रूण में पाया जाता है। उसके बाद में मल्टीपोलर किस में पाया जाता है? बाइपोलर पाया जाता है। नेत्र का रेटिना अंतःकरण और उदरांग उपकला, ठीक है। और मल्टीपोलर किस में पाया जाता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नोट लिखो, एक नोट लिखो दोस्तों, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर लिखो नोट, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर लिपोप्रोटीन से निर्मित, लिपोप्रोटीन से निर्मित कुछ परत उपस्थित होती है। क्या होती है? लिपोप्रोटीन से निर्मित आवरण उपस्थित होता है। लिपोप्रोटीन से निर्मित कुछ आवरण उपस्थित होता है जिसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, जिसकी अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंतु को दो प्रकार के होते हैं। तंत्रिका तंतु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? नोट है ये, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर, तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर लिपोप्रोटीन से निर्मित आवरण उपस्थित होता है जिसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइलिनेटेड न्यूरो नर्व फाइबर्स, या इसे मेडुलेटेड बोलते हैं। एक होता है नॉन माइलिनेटेड होते हैं, एक तो होते हैं माइलिनेटेड, ठीक है दोस्तों। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या इसे मेडुलेटेड कहते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स लिखो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या मेडुलेटेड में लिखो दोस्तों, ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें एक्जोन के चारों ओर माइलिन शीत आवरण परत उपस्थित होती है तथा इसके बाहर की ओर स्वान सेल के द्वारा स्रावित न्यूरोलेमा उपस्थित होती है। ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें एक्जोन के चारों ओर माइलिन शीत आच्छद की परत उपस्थित होती है तथा बाहर की ओर स्वान सेल से द्वारा आवृत न्यूरोलेमा उपस्थित होती है। क्या? न्यूरोलेमा उपस्थित होती है, ठीक है दोस्तों। लिखो आगे, मस्तिष्क के न्यूरॉन में ये हैं, माइलिन शीत असतत परत के रूप में उपस्थित होती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन में ये माइलिन शीत असतत परत के रूप में उपस्थित होती है। इन असतत परतों के उपस्थित स्थान को जहाँ पर माइलिन शीत अनुपस्थित होती है क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। किसे कहते हैं नोड ऑफ रेनिवर? जहां पर माइलिन शीत अनुपस्थित होती है। कहां पर होती है माइलिन शीत अनुपस्थित, उसे क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये केस का है, न्यूरोलेमा, स्वान सेल और माइलिन शीत, ठीक है दोस्तों। कहां पर है माइलिन शीत अनुपस्थित? ये जो असत परत होती है वहां पर पाई जाती है। क्या है? नोड ऑफ रेनिवर। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा था इसका नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड होता है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इस प्रकार के न्यूरॉन्स में एक्जोन के चारों ओर माइलिन शीत आच्छद अनुपस्थित होती है। उसमें क्या थी? उपस्थिति। इसमें क्या है? अनुपस्थित होती है। कौन सी? माइलिन शीत। इसमें केवल स्वान सेल द्वारा निर्मित न्यूरोलेमा उपस्थित होती है। ओनली स्वान सेल द्वारा स्रावित कौन सी सेल? स्वान सेल, ध्यान रखना, न्यूरोलेमा उपस्थित होती है। अब इसके अंतर्गत चार सेल्स होती है। क्या आएगी इसमें? सपोर्टिंग सेल्स देखेंगे अपन ने। ये अपना वाला न्यूरॉन वाला चैप्टर क्या हो गया? वहां हो गया, न्यूरॉन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके देखते हैं सपोर्टिंग सेल्स क्या देखते हैं इसमें। न्यूरॉन में जो सपोर्टिंग सेल्स कौन कौन सी काम करती है वो देखते हैं। सपोर्टिंग सेल देखने वाले हैं दोस्तों, तो यह तंत्रिका ऊतक का आधे से अधिक भाग बनाती है। कौन सी? सपोर्टिंग सेल तंत्रिका ऊतक का आधे से अधिक भाग बनाती है। क्या बनाती है? आधे से अधिक भाग बनाती है। कौन कौन से होती है सपोर्टिंग सेल्स? कौन कौन से होती है? चार प्रकार की होती है सपोर्टिंग सेल्स। क्या होती है? चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की होती है सपोर्टिंग सेल्स। कौन कौन सी? एस्ट्रियोसाइट, पहली होती है एस्ट्रियोसाइट। सपोर्टिंग सेल चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है एस्ट्रियोसाइट, दूसरी होती है इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रियोसाइट क्या होती है? लिखो एस्ट्रियोसाइट में, लिखो दोस्तों। पहली सपोर्टिंग सेल्स क्या होती है? एस्ट्रियोसाइट।
लिकोस में स्टार शेप आकार की होती है, स्टार शेप आकार की होती है, पतले लंबे वसाकित पर्वत उपस्थित होते हैं। क्या कार्य करती है एस्ट्रोसाइट? एस्ट्रोसाइट कार्य करती है तंत्रिका ऊतकों को यांत्रिक सहारा प्रदान कर है। तंत्रिका ऊतकों क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कौन सी? एस्ट्रोसाइट। क्या कार्य करती है एस्ट्रोसाइट? तंत्रिका ऊतकों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कार्य ध्यान रखना दोस्तों, दूसरी सेल आती है इसमें कौन सी? दूसरा कार्य क्या है इसका? ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना होता है। किसका? ऑस्ट्रियोसाइट का दूसरा कार्य क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना होता है। किसका? ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करना होता है। इंपॉर्टेंट है दोनों कार्य दोस्तों, ध्यान रखना एस्ट्रोसाइट के कार्य क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दूसरी आती है ओलिगोडेंड्रियोसाइट। ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स क्या होती है? सीएनएस में उपस्थित न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन शीथ का श्रावण करना होता है। क्या कार्य इसका? इसका कार्य क्या है? सीएनएस में उपस्थित न्यूरॉन्स के चारों ओर माइलिन शीथ का श्रावण करना होता है। कौन सी? ओलिगोडेंड्रियोसाइट। तीसरी आती है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया सेल इसका कार्य क्या है? ये किसमें? मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है। मोनोसाइट कोशिका है जो भ्रूण अवस्था में तंत्रिका ऊतकों में प्रवेश कर जाती है तथा वहां फोटोसाइट दर्शाती है, फेगोसाइट दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है। फिर देखते हैं एपिडेमा। एपेंडेमा कौन सी सेल आ गई? एपेंडेमा सेल्स जो क्या कार्य कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क और मेरुज्जिकी गुहा में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क और मेरुज्जिकी गुहा में उपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अपना न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यूरॉन वाले जो पोर्शन है उसमें दो चीज थी, न्यूरॉन नर्वस सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, सपोर्टिंग सेल चार हो गई अपनी। कौन कौन सी हो गई चार सपोर्टिंग सेल? एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और एपेंडेमा। ठीक है, एपेंडेमा। अब अपन इसकी क्या है क्रियाविधि देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? इसकी क्रियाविधि देखने वाले हैं। तो क्रियाविधि अपनी इतनी नहीं है, तो दोस्तों इसकी क्रियाविधि अपन नॉर्मली देखेंगे ऊपर से। इतना डीपली अपनी इसकी क्रियाविधि नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ओनली इसकी ऊपर से क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। किसकी? आवेग संचरण की क्रियाविधि देखेंगे कि आवेग का जो संचरण होता है वो कैसे होता है। क्या देखेंगे? आवेग का जो संचरण होता है वो कैसे होता है। किसका? आवेग का संचरण कैसे होता है। तो तंत्रिका आवेग की संचरण की क्रियाविधि। ठीक है दोस्तों, लिखो तंत्रिका आवेग की संचरण की क्रियाविधि। जो Na+ और Ca+ चैनल होते हैं वो बंद कैसे होते हैं, कहाँ खुलते हैं, कहाँ पर पोलराइजेशन होता है, कहाँ पर रिपोलराइजेशन होता है, वो पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजनशील कोशिका कहा जाता है। लिखो दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजनशील कोशिका कहा जाता है क्योंकि यह है पोलराइज्ड स्ट्रेटिफाइड में उपस्थित होती है, अर्थात इसके चारों ओर विद्युत विभांतर उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? चारों ओर विद्युत विभांतर उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इस विद्युत विभांतर या इस विद्युत विभांतर का कारण एक्जोनल मैकेनिज्म मेम्ब्रेन के दोनों ओर उपस्थित आयनों की सांद्रता में अंतर होता है। जो एक्जोन मेम्ब्रेन होती है, जो एक्जोन मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों ओर के आवरण में सांद्रता में क्या होते हैं? परिवर्तन होता है या अंतर होता है। एक्जोनल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन से निर्मित कुछ आयन चैनल पाए जाते हैं। कौन से चैनल पाए जाते हैं? एक्जोनल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन से निर्मित, किससे निर्मित? धारण करना दोस्तों, लाइन डैश स्टार लगा के लिखो ये। एक्जोनल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन से निर्मित कुछ आयन चैनल पाए जाते हैं जो चयनात्मक पारगम में होते हैं। जैसे कौन से आयन चैनल पाए जाते हैं? Na+ और K+ चैनल पाए जाते हैं। कौन से? Na+ और K+ चैनल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखो नेक्स्ट। जब न्यूरॉन से कोई आवेग का संचरण नहीं हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेस्टिंग फेज कहते हैं। जब न्यूरॉन से कोई भी आवेग का संचरण नहीं हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज या विश्राम अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रेस्टिंग फेज या विश्राम अवस्था में, इस अवस्था में एक्जोनल मेम्ब्रेन पर विभांतर कितना होता है?
कितना होता है -17 MB होता है, कितना होता है -17 MB होता है, कितना होता है -17 MB होता है, क्या होता है RMP आर विश्राम कला विभाव पोटेंशियल, कितना होता है विश्राम कला विभाव कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है -70, ठीक है दोस्तों -70 MV होता है। कब होता है जब आवेग का संचरण नहीं होता है, तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन में कितना होता है -70, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं विश्राम अवस्था में, नहीं यहाँ दिखेगा नहीं दोस्तों आपको क्योंकि यहाँ थोड़ी ब्राइटनेस कम आ गई इसकी, तो क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। विश्राम मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ, लिखो नोट डैश स्टार लगा के लिखो, विश्राम अवस्था में एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पर K+ आयन के लिए अधिक पारगम्य होता है। विश्राम अवस्था में जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, वो K+ आयन के लिए क्या होती है अधिक पारगम्य होती है, तथा Na+ आयन के लिए लगभग अपारगम्य तथा ऋणावेश प्रोटीन के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है। स्टार लिखा के लिखो, लिख लिया गया दोस्तों, दोबारा बोलता हूं मैं एक बार, विश्राम अवस्था में जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो K+ आयन के लिए क्या होती है अधिक पारगम्य होती है, क्या होती है K+ आयन के लिए अधिक पारगम्य होती है, तथा Na+ आयन के लिए क्या होती है लगभग अपारगम्य होती है किसके लिए Na+ आयन के लिए, तथा ऋणावेश प्रोटीन के लिए क्या होती है पूर्णतः अपारगम्य होती है। नेक्स्ट लिखो, इस अवस्था में एक्सोप्लाज्म में K+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, जो विश्राम अवस्था में है उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं सारी चीजें, अपन विश्राम अवस्था के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अभी, आवेग का संचरण नहीं हो रहा अभी, ठीक है दोस्तों। तो विश्राम अवस्था में एक्सोप्लाज्म में क्या होती है, जो एक्सोप्लाज्म होता है विश्राम अवस्था में उसमें K+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, वह Na+ आयन की सांद्रता क्या होती है कम होती है, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जो एक्सोप्लाज्म होता है तो उसमें विश्राम अवस्था में K+ आयन की सांद्रता अधिक होती है और Na+ आयन की सांद्रता क्या होती है कम होती है, ठीक है, आयन की सांद्रता अधिक तथा Na+ की कम होती है। उसके बाद में जबकि बाहर जो ECF होता है, एक्सोप्लाज्म से बाहर जो ECF होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें Na+ की सांद्रता अधिक होती है तथा K+ की कम उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं कम उपस्थित होते हैं, कब कहां एक्सोप्लाज्म से बाहर ECF में, और एक्सोप्लाज्म में क्या होता है Na+ कम होता है K+ अधिक होता है, ठीक है। अतः सांद्रता प्रवणता के अनुसार अधिक आयंस कहां जाएंगे, अधिक K+ एक्सोप्लाज्म में किस में चले जाएंगे, अधिक K+ आयन एक्सोप्लाज्म में अधिक होते हैं K+ आयन, तो वो कहां चले जाएंगे ECF में, तथा Na+ ECF से किस में चला जाएगा एक्सोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं, कहां प्रवेश कर जाएंगे ECF में प्रवेश कर जाएंगे, कौन सा K+ आयन, और जबकि Na+ ECF से कहां चले जाएंगे एक्सोप्लाज्म में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या इन प्रवेश के वे आयनों से एक्सटर्नल मेम्ब्रेन में Na+ K+ पंप एक साथ 3 Na+, ध्यान रखना दोस्तों कहां पढ़ते हैं Na+ आयन की सांद्रता कहां दिखती है एक्सोप्लाज्म में, तो 3 Na+ कितने 3 Na+ बाहर की ओर तथा 2 K+ अंदर की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इसे सांद्रता प्रवणता को बनाए रखते हैं। 3 Na+ तो क्या आएंगे बाहर आएंगे और 2 K+ क्या जाएंगे अंदर जाएंगे, क्योंकि एक्सोप्लाज्म में Na+ अधिक होता है, और ठीक है दोस्तों Na+ की सांद्रता का अधिक होती है कहां पर ECF में, और K+ की कम होती है, तो Na+ तो क्या जाएगा 3 Na+ बाहर और 2 K+ क्या जाएंगे अंदर चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, किसी बिंदु पर उद्दीपन मिलने पर क्रिया विभव का मान -17 MV से परिवर्तित होकर -55 MV हो जाता है, कितना हो जाता है -55 MV हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं थ्री सोल्ड स्टिमुलेशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है
थ्रीसोल्ड स्टिमुलेशन कहते हैं। इस उद्दीपन के प्रभाव में उस बिंदु के Na+ चैनल खुल जाते हैं तथा Na+ आयन अंदर प्रवेश करते हैं, जिस कारण विभव परिवर्तित होकर +30 MeV हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, +30 MeV हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रिया विभव कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे, क्रिया विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया विभव के दौरान कितना होता है, +30 MeV होता है। तथा इस अवस्था में एक्सोनल मेम्ब्रेन को डीपोलराइज मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उक्त बिंदु पर अंदर की ओर ऋणावेश तथा बाहर की ओर अंदर की ओर धनावेश तथा बाहर की ओर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से आवेशित एक्सोनल मेम्ब्रेन के सारे आगे की ओर गति कर सकते हैं। इस प्रकार ये गति करते रहते हैं आगे की ओर, Na+ और K+ आयंस बाहर और अंदर की ओर चले जाते हैं। इन K+ चैनल के अधिक समय तक खुले रह जाने के कारण K+ आयन क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर अधिक गति कर जाते हैं। तथा यहाँ विभव को मान क्या हो जाता है, -30 में चला जाता है, वापस से किसमें चला जाता है, -30 MeV से घटकर क्या हो जाएगा, -90 MeV तक हो जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। इस प्रकार से ये अपना क्रिया विभव हो गया। अपने इतने डीपली नहीं आरविच सेंटर से एग्जाम में, मैंने ये डीपली नीट के हिसाब से पढ़ाया है आपको, तो इतना डीपली नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज होने के लिए मैंने तो आपको पढ़ाया है, आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं एक बार कितनी फेज थी इसमें। इसमें देखो पहली फेज थी रेस्टिंग फेज, जिसमें क्रिया विभव को मान कितना था, रेस्टिंग फेज के अंदर क्रिया विभव को मान कितना था, -70। ठीक है, रेस्टिंग फेज के RMP रेस्टिंग फेज में कितना था, -70। फिर आया कितना, -55। कितना आया, -55। रेस्टिंग फेज में कितना था, 70, -55 MeV कब आएगा, तब थ्रीसोल्ड स्टिमुलेशन हो रहा था। ठीक है, जिसे क्या कह रहे थे, क्रिया विभव। उसके बाद में क्या आएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन के अंतर्गत कितना था, +30 MeV। डीपोलराइजेशन में कितना था, +30 MeV। जबकि रीपोलराइजेशन में कितना है, रीपोलराइजेशन में कितना हो जाएगा, -30 MeV। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हाइपर पोलराइजेशन। अगर क्रिया विभव का मान -90 MeV हो जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, उस पेज को हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। इस प्रकार से अपने ये क्रियाविधि कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्रियाविधि के बाद क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्नैप्स। अपन ने देखे थे दो न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली संधि को क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली संधि को स्नैप्स कहते हैं। तो दोस्तों स्नैप्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्नैप्स, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। पहला आता है इलेक्ट्रिकल स्नैप्स, दूसरा आता है केमिकल स्नैप्स। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल और केमिकल दो प्रकार के स्नैप्स होते हैं। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रिकल स्नैप्स। इस प्रकार के स्नैप्स में दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे के प्रत्येक संपर्क में होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक संपर्क में होते हैं। एक किसमें, इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में दोनों न्यूरॉन्स, जाना दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो स्नैप्स होता है उसमें दोनों न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रत्येक संपर्क में होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होते हैं, जिस कारण से आवेग का संचरण द्विदिशीय होता है। क्या होता है, आवेग का संचरण द्विदिशीय होता है। ये मानव शरीर में कम संख्या में उपस्थित होता है। क्या होते हैं, मानव शरीर में कम संख्या में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा आता है केमिकल स्नैप्स। कौन सा, केमिकल स्नैप्स। इस प्रकार के स्नैप्स में दोनों न्यूरॉन्स सीरे के रासायनिक पदार्थ से भरी हुई सिनेप्टिक क्लेफ्ट से प्रत्येक होते हैं। कौन सी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से प्रत्येक होते हैं और मानव में अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। कौन से, केमिकल स्नैप। ठीक है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं, दो प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं। एक तो होता है उत्तेजनशील एक्सेलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी। एक्सेलेटरी और इनहिबिटरी दो प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं। तो एक्सेलेटरी कौन से होते हैं, एसिटाइलकोलाइन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन। क्या होते हैं ये, तो क्या होते हैं, एक्सेलेटरी उत्तेजनशील होते हैं।
दूसरा होता है इनिबेटरी, इनिबेटरी न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ कौन से होते हैं, सीरोटोनिन और डोपामिन। एग्जांपल ध्यान रखना दोस्तों, एक्सरेटरी और इनिबेटरी के एग्जांपल ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ये न्यूरोन वाला जो पोर्शन है अपना वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम, कौन सा नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें CNS और PNS पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? CNS और PNS पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक शेयर करना ताकि सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नर्वस सिस्टम के साथ। धन्यवाद दोस्तों।